हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटअप। फाइनली इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी है क्योंकि जेसीसी ने 2019 में एडमिशन के लिए अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, ये जो मेरिट लिस्ट है ये इन्होंने शनिवार यानी 6 जुलाई को आउट किया है। ओके, इस मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का नाम है जो बच्चे झारखंड से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने जेईई मेंस 2019 का एग्ज़ाम दिया है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड कंबाइंस इस बार से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रही है, ठीक है। तो झारखंड में जितने भी कॉलेजेज हैं, प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज, उनमें जो एडमिशन होगा वो होगा जेईई मेंस 2019 के रैंक के बेसिस पे, ठीक है। तो मेरा को बहुत रिक्वेस्ट आया कि झारखंड कंबाइंड अभी तक अपना काउंसलिंग क्यों नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो झारखंड कंबाइंड का जो काउंसलिंग है वो आपको 25 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने अपना यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिया है, ठीक है। तो ज़रा चलिए हम देख लेते हैं ये जो मेरिट लिस्ट है ये किस तरीके से इन्होंने अपना मेरिट लिस्ट दिया है और आपको कैसे पता चलेगा कि किस रैंक पे आपको कौन से कॉलेज मिलेगा। जैसा कि आपको पता है झारखंड में जो कॉलेज है BIT सिंदरी, ये वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। एंड बच्चों का पहला चॉइस होता है BIT सिंदरी। तो BIT सिंदरी में अराउंड 700 सीट्स हैं, ओके, जिसमें से 50% सीट्स रिजर्व हैं फॉर OBC एंड ST SC के लिए, ओके, एंड बाकी के जो सीट्स हैं वो जनरल के कैंडिडेट के लिए हैं, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे स्क्रीन में दिया गया है ये जो मेरिट लिस्ट, इसके देख लेते हैं कि ये हमारा मेरिट लिस्ट किस तरीके से दिया है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले है सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे है नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर है, आफ्टर डेट आपका यहाँ पे फादर्स नेम है, ओके, और यहाँ पे आपका दिया गया है डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पे दिया गया आपका स्टेट कैटेगरी कि आप झारखंड में जो कैटेगरी है आपका क्या है, ओके। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है कि जितना आपने परसेंटाइल आपको मिला है जेईई मेंस 2019 के एग्ज़ाम में, ठीक है, उस परसेंटाइल के हिसाब से आपको कुछ रैंक दिया गया है, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, CRL। एंड आफ्टर डेट आपका यहाँ पे जो दिया गया है स्टेट CML रैंक, ठीक है। जो स्टेट CML रैंक है, जब हम झारखंड कंबाइंड का एग्ज़ाम देते थे तो उसमें जो जनरल रैंक आता था, ठीक है, उसमें भी हमें यही CML रैंक मिलती थी, ठीक है, यानी आपका कॉमन मेरिट लिस्ट में जो आपका रैंक है, ओके। तो आप यहाँ पे आपका जो मेन काम है वो आपका रहेगा यहाँ पे कि आपका CML रैंक क्या है, क्योंकि आपको झारखंड कंबाइंड में जो एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ CML रैंक होगा, ठीक है। आफ्टर डेट यहाँ पे आपका दिया गया है स्टेट कैटेगरी रैंक, ये सब आपको नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे वो केवल झारखंड के बच्चे होने चाहिए, यहाँ पे झारखंड के उसका डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिए गए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखा गया है कि वो बच्चे जिसका पहला यहाँ पे रैंक है वो है आपका यहाँ पे अंशुल पांडे, ठीक है, जिसका जो परसेंटाइल है 99.3768703 और इसका ऑल इंडिया रैंक है 7379, ओके। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ प्रेडिक्ट करके बताना चाहूँगा कि आपका कितने CML रैंक तक आपको BIT सिंदरी मिल जाएगा, ओके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गेटअप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इस वीडियो में आपको काउंसलिंग से रिलेटेड भी सारी चीज़ें बताऊँगा, ओके, क्योंकि आई एम ऑल्सो एंड स्टूडेंट ऑफ BIT सिंदरी, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आपका परसेंटाइल घटता जा रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल है उस हिसाब से आपको ऑल इंडिया रैंक मिला और उस हिसाब से आपको यहाँ पे CML रैंक मिला है, यानी झारखंड में आपका कितना रैंक है वो मिला है, ठीक है। ये जो मेरिट लिस्ट है, अगर आपका इसमें नाम नहीं है, ओके, तो आपका जो इसमें जो रिवाइज जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा वो 8 जुलाई को आएगा, ओके। यहाँ पे इन्होंने नोटिस में लिख दिया इस चीज़ को, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बच्चे को अगर उसका यहाँ पे नेम अगर नहीं आया है तो, ठीक है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं द रिवाइज एंड फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन 8/7/2019, ओके। तो मैं यहाँ पे अपना कुछ एनालाइज करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ आपका एनालिसिस करके कि आप जहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पहला रैंक है, ठीक है, वो है आपका अंशुल पांडे का, जिसका यहाँ पे परसेंटाइल है 99.3768703 और इसका ऑल इंडिया रैंक है 7397, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो CML रैंक है उसके हिसाब से इस बंदे को अच्छा NIT मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको NIT मिल रहा है, ठीक है।
जिन जिन बच्चों का एनआईटी मिल जाएगा वो डेफिनेटली जाना चाहेंगे एनआईटी, तो उन बच्चों को हटा दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे कितना सीएमएल रैंक आ रहा है उससे आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे बीआईटी सिंदरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए मैं आपका यहाँ पे नीचे में रैंक जाता हूँ, क्योंकि आपको लगभग ऐसे 150-200 बच्चे होंगे जो क्या करेंगे एनआईटी चले जाएंगे। ओके, वेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, अगर सपोज मैं किसी एक रैंक की मैं बात कर लेता हूँ, सपोज किसी बंदे का 96% आया है, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इसका जो रैंक है वो आपका 42,000 के आसपास, यानी 42,000 के आसपास है, और इसका जो सीएमएल रैंक है वो आपका 82, ठीक है। तो ये बंदा जो आपका 43 आपका 42 जो भी है 40-45,000, मोस्ट ऑफ द एनआईटी जो अच्छे एनआईटी हैं उनका जो रैंक होता है वो करीब 30-35,000 में भर जाते हैं, ठीक है। आपका अगर एनआईटी जमशेदपुर की बात करते हैं तो एनआईटी जमशेदपुर में अगर आपको अच्छा ब्रांच चाहिए तो 30-35,000 तक में आपका फुल हो जाएगा, ठीक है। 35-40,000 के बाद आपका कोई गुंजाइश नहीं है एनआईटी जमशेदपुर में। अगर किसी को मिलता है तो वो उसका लक है, ठीक है, वो भी स्पोर्ट राउंड में उसे मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख के आप पता लगा सकते हैं कि जिन बच्चों का रैंक 40,000-50,000, चलिए मैं 50,000 मान रहा हूँ, 50,000 के बाद जिन बच्चों का रैंक है यहाँ पे, ठीक है, और उसका सीएमएल रैंक बढ़िया है, तो वो डेफिनेटली क्या करेंगे बीआईटी सिंदरी को में एडमिशन लेना चाहेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे सीट अपना एक्वायर करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो अपना सीट छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, बहुत कम ही सीट की गुंजाइश है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे देख के बता रहा हूँ कि अराउंड, ठीक है, बीआईटी सिंदरी में 680 सीट्स हैं। ओके, 680 सीट्स में से हमारे बहुत सारे सीट्स यानी 50% सीट्स रिजर्व हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लगभग अगर आपका सीएमएल रैंक, ठीक है, अगर आपका सीएमएल रैंक, स्टेट सीएमएल रैंक अगर आपका 1,000 है तभी आपको यहाँ पे बीआईटी सिंदरी मिल पाएगा, ठीक है। ये तो हो गई बात ओबीसी के लिए। अगर ये बंदा अगर ओबीसी का है और अगर उसका रैंक अगर 1,000 आया है, ठीक है, क्योंकि इस बार ऐसा हो रहा है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसका जो मेरिट लिस्ट है सीएमएल रैंक झारखंड में 100 आई है और उस बंदे का ऑल इंडिया रैंक है 60,000-70,000, तो डेफिनेटली है कि उसको 70,000-80,000 में कोई एनआईटी नहीं मिलेगा, वो भाग के चुपचाप यहाँ बीआईटी सिंदरी में ही एडमिशन लेगा अगर उसको कहीं और अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिले तो, ठीक है। इस सब बात को आप यहाँ पे ध्यान रखो। अगर आप यहाँ पे जनरल से अगर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो अगर आपका सीएमएल होना चाहिए अराउंड 500 फॉर जनरल स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इस बार का जो सिनारियो है वो कम्प्लीटली चेंज्ड है, ठीक है। पहले जो एग्ज़ाम हुआ करती थी वो झारखंड कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ करता था, तो उसमें बहुत ऐसे बच्चे होते थे जिसका जेई मेंस में ऑलरेडी अच्छा रैंक आ चुका है, वो उस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुआ करता था, ठीक है, और कुछ बच्चे अपीयर होते थे तो कुछ ही सीट छूटते थे। बट इस बार ऐसा नहीं हो रहा, इस बार सारे बच्चे अपीयर हुए हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे जेई मेंस में अपीयर हुए हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे जिसका जिसको एनआईटी मिलेगा वो जाएगा, बाकी जिसको नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज वो फिर यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलो कि अगर आपका जनरल में 500 रैंक है तो आपको मिलेगा, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो यानी आपका 1,000 तक में बीआईटी सिंदरी में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये था आपका, मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस किया, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे 4-3 सालों से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, ठीक है, इट मे बी रॉन्ग बट ये उतना भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो आप मोटा मोटी अपने दिमाग में बैठा के चलो कि अगर आपका सीएमएल रैंक अगर 500 के अंदर है जनरल कैंडिडेट का तो आपको बीआईटी सिंदरी मिलेगी, अदरवाइज आपका चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है, कि आपका यहाँ पे काउंसलिंग का रिलेटेड में क्या बोल रहा है। ये तो थी रैंक के बारे में, ओके, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो जेसीसी जो अपना काउंसलिंग है वो ले रहा है 25 जुलाई से, उन्होंने अपना काउंसलिंग स्टार्ट किया है, ठीक है, 25 जुलाई से, जिसमें से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी। ओके, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए आपका 25 तारीख को 10 बजे से रखा है कितने 100 से लेके 300 रैंक, यानी जिसका सीएमएल रैंक 1-300 है उन बच्चों का काउंसलिंग होगा 25 को, कितना बजे से 10 बजे से, ठीक है। उसके बाद 301 से लेके 600 सीएमएल रैंक वालों का जो काउंसलिंग है वो होगा आपका 25 जुलाई को, बट ये होगा आपका दोपहर में यानी 1 बजे के बाद, ठीक है। और 601 से लेके 1450, ठीक है, इतने रैंक वालों का सीएमएल रैंक जिनका है इनका काउंसलिंग होगा वो होगा आपका 26 जुलाई को, ठीक है, 10 AM से यानी 10 बजे सुबह से, ठीक है। और
1451 से लेके 2500 रैंक तक के बच्चों का जो एडमिशन होगा, ठीक है, ये आपका काउंसलिंग होगा, वो काउंसलिंग आपका होगा 26 जुलाई 2019 को। ओके, तो ये था हमारा काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जब कुछ सीट वैकेंट रह जाती है तभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा, ये चीज़ अपने ध्यान में रखिए कि पहला राउंड के काउंसलिंग के बाद कुछ अगर सीट्स खाली रह जाते हैं किसी भी कॉलेज में तभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो काउंसलिंग के लिए आपको सीट फिक्स करने के लिए, ठीक है, यानी सीट अलॉटमेंट करने के लिए आपको 1000 रुपये का DD लगेगा, ठीक है, वो आप क्या करो कि JCC के साइट में जाके आप वो सब डाटा को देख सकते हो। ओके, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।